हाय दोस्तों, एवरग्रीन इंडियंस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैरियर एसी में, स्प्लिट एसी में टाइमर कैसे सेट करते हैं। सपोज आप एसी को चाहते हो कि 1-2 घंटे चल 2 घंटे एसी चले और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, अगर मैं सो भी जाऊं तो ये चलता ना रहे कंटिन्यूस। तो उसके लिए हम टाइमर यूज़ करते हैं जो कि रिमोट के थ्रू लगाया जाता है। उसको कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। मैंने ये एसी लगभग 3 से 4 महीने पहले लिया था और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और ये काफ़ी अच्छा एसी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इसके जो लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी ऑलमोस्ट बहुत कम ही है। तो ये 1.5 टन एसी है कैरियर का और 100% कॉपर के साथ में, और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने ये फ़्लिपकार्ट से लिया था। ओके और स्प्लिट एसी है। तो अब इसका रिमोट देखते हैं। तो इसका रिमोट ये है। इसमें टाइमर कैसे सेट करेंगे, तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं ऑफ़ ऑन ऑफ़ बटन से। तो ये ऑन हो गया। उसके बाद में देखते हैं इसमें टाइमर सेट करने के लिए, जैसे सपोज़ करो मुझे 2 घंटे के लिए टाइमर सेट करना है, 2 घंटे बाद ये अपने आप ऑफ हो जाए, तो ये नीचे ब्लैक बटन जो है सी, ये जो ब्लैक बटन है टाइमर का, इसको क्लिक करो और अगेन प्रेस करो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। सपोज अब ये 2 घंटे के लिए सेट हो गया, इसका मतलब आधे आधे घंटे के डिफरेंस से ये बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये इस टाइम 2 घंटे के लिए सेट हो गया। मैंने प्रेस करके दिखाया, ये देखो 2 घंटे सेट हो रखा है। दोबारा से प्रेस करते हैं, ये 2 घंटे के लिए सेट हो गया। अब ये 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ओके तो ये इसका टाइमर है, ऐसे हम इसका टाइमर सेट करते हैं। अब देखिए इसमें एक येलो कलर की एलईडी जल रही है, इसका मतलब टाइमर इसका ऑन हो गया। देखिए ओके देखो एसी का अभी इस टाइम स्विंग नहीं हो रहा है, तो इसको स्विंग करने के लिए यहाँ पे कोने पर बटन होता है, इसको स्विंग कर सकते हैं। तो नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ये स्विंग होता रहेगा ऊपर नीचे। अगर इसको बीच में कहीं रोकना है तो इसको इस वाले बटन से प्रेस कर देंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये और कुछ डिग्री चलेगा फिर रुक जाएगा। फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो कुछ डिग्री और चलेगा फिर रुक जाएगा। अगर हमें कंटिन्यूसली स्विंग करना है तो नीचे वाला बटन दबाएंगे। ओके